हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो है कि आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली 2020 में क्या हुआ था कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको देखने को मिली थी। और ऑब्वियस सी बात है इस टॉपिक से जो है आपको यहाँ से आपके इंटरव्यू में और आपके किसी भी एग्ज़ाम में, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है या फिर अदर एग्ज़ाम में भी आपको इससे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जो चीज़ें मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आज पढ़ाने वाला हूँ वो सफिशियंट होंगी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर के जो भी जितनी भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो उनको सभी को मैं आज कवर करूंगा। और रही बात केवीएस इंटरव्यू की, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस जो इंटरव्यू पैनल होगा वो आपसे बना सकता है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें और उनका आप बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। जैसे कि आपको पता है कि नई शिक्षा नीति से जो है 100% जो क्वेश्चंस है वो जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में मैं आज बात करूंगा। जो भी केवीएस इंटरव्यू में जो पैनल है आपसे क्या क्या क्वेश्चंस बनाएगा वो सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। देखिए यहाँ पर ना मैं आपको पूरी NEP, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा और साथ ही साथ ये भी बताते हुए चलूँगा कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू पैनल जो KVS का इंटरव्यू होगा वहाँ पर आपसे किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि ये जो NEP 2020 है, मतलब नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में जो लॉन्च हुई थी वो पहली NEP नहीं है, ये पहली नई शिक्षा नीति नहीं है। इससे पहले भी दो शिक्षा नीति लॉन्च हो चुकी हैं, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, फ्रीडम के बाद, ओके। तो सबसे पहले की बात करें तो हम सबसे पहले जो थी वो 1968 में लॉन्च हुई थी NEP 1968। फिर उसके बाद अगर हम पहली NEP की बात करें तो NEP पहली जो थी वो इंदिरा गांधी जी के समय पर लॉन्च हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी NEP आई थी 1986 में। आपसे ना यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये जो NEP 2020 आई है ये कौन से नंबर की NEP है, ठीक है, और कौन जो इससे पहले की जो NEP थी वो कहाँ, मतलब किस किस के समय पर आई थी। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि 1968 वाली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो थी इंदिरा गांधी के समय पर, और दूसरी एजुकेशन पॉलिसी की बात करें जो 1986 में लॉन्च हुई थी वो थी राजीव गांधी जी, उस समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और बात करें हम इसकी तो 2020 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इनके समय पर ये लाई गई थी और किसके द्वारा लाई गई थी उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो NEP की फुल फॉर्म क्या है। NEP की फुल फॉर्म बहुत से जो लोग हैं वो ये बता दें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसकी जो एग्जैक्ट फुल फॉर्म है वो ये है कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020, ठीक है। तो NEP की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। और अगर आप यहाँ आपसे ना यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि NEP की फुल फॉर्म बताइए, तो आपको ना ये बोलना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। जैसे एक चेयरपर्सन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। जो जो हमारी NEP 2020 आई थी उसके जो चेयरपर्सन रहे थे उसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के हेड थे। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी स्पेस एजेंसी है, ठीक है ना, इंडिया की, उसके हेड थे, ठीक है। जून 2017 में ये कमेटी तैयार की गई थी, ये जून 2017 में ये कमेटी तैयार की गई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद इस कमेटी ने इस कमेटी का नाम यही था कि डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी, ठीक है। इस कमेटी का नाम डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी था और इसने अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को दी थी। क्या थी? 31 मई 2019 को डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, किसको लेकर के, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर के, ठीक है। फिर उसके बाद इसको लॉन्च कर दिया गया था 29 जुलाई 2020 को। कब इसकी जो लॉन्चिंग डेट थी वो कब थी? 29 जुलाई 2020, ठीक है। तो आपसे जो है
ये भी पूछा जा सकता है कि आप जो ये जो एनईपी 2020 की जो कमेटी थी वो उसके हेड कौन थे, चेयरपर्सन कौन थे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप चेयरपर्सन का नाम बताएंगे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, और उनसे अगर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पूछता है तो वो कौन थे, तो आप बता सकते हैं वहाँ पर कि वो इसरो के हेड थे, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट डेट भी पूछा जा सकता है कि कमेटी कब बन करके तैयार हुई थी। आप बताएंगे कि जून 2017 को कमेटी बनी थी, फिर उसके बाद इसने एनईपी 2020 को लेकर के इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 31 मई 2019 को। फिर उसके बाद जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब लॉन्च की गई थी, इन सभी को भूल जाएगा, लेकिन जो लॉन्चिंग डेट है इसकी एनईपी की, एनईपी 2020 की, तो इसकी लॉन्चिंग डेट को आपको 100% याद रखना है, ठीक है। और इसकी लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 29th of July 2020 है, ठीक है, क्या है, 29 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। और इसी के तहत जो है MHRD थी हमारी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो इसका नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जिसका किसको बदल करके, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें, हाँ, जो पहली एजुकेशन पॉलिसी फॉलो हो रही थी वो थी 1986 वाली, एनईपी 1986, लेकिन उसमें जो फॉर्मेट फॉलो होता था वो क्या था, 10+2+3, क्या था, 10+2+3, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें फॉर्मेट फॉलो होता है, इसका जो नया फॉर्मेट निकल करके आया है वो क्या है, 5+3+3+4 वाला फॉर्मेट इसको अब फॉलो किया जाएगा, ठीक है। मैं इसको ना डिटेल में बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, और किस तरीके से आपसे जो KVS इंटरव्यू का पैनल होगा वो किस तरीके से आपसे यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नया जो फॉर्मेट लाई है वो क्या है, और जो पहले जो फॉर्मेट फॉलो होता था वो क्या था। तो पहले फॉर्मेट की बात करें तो 10+2+3 वाला फॉर्मेट फॉलो होता था, मतलब कि क्लास फर्स्ट टू 10 ईयर्स, फिर उसके बाद 11th एंड 12th, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, ठीक है। तो प्लस ये क्या हो गया, 10+2+3 वाला फॉर्मेट जो पहले फॉलो होता था, जो 1986 की पॉलिसी चली आ रही थी उसमें ये फॉलो होता था। लेकिन अगर हम बात करें अब की पॉलिसी की, तो उसमें फॉर्मेट निकल कर के आया है 5+3+3+4, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यू फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसकी हम बात करें तो इसका जो जो पहले सिस्टम था, पहले स्कूल एजुकेशन को केवल 12th ईयर्स में समेट दिया गया था, ठीक है, 1986 की पॉलिसी में। लेकिन अगर हम बात करें तो अब जो फॉर्मल स्कूलिंग होगी वो 15 साल की रख दी गई है, जिसमें 3 साल की ECCE को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है, ECCE को। ECCE की जो फुल फॉर्म है वो है क्या, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इससे भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ECCE की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप क्या जवाब देंगे कि सर जो ECCE की फुल फॉर्म है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। जो और इसकी एज की बात करें तो इसकी एज है 3 to 6 ईयर्स, कितना है, 3 to 6 ईयर्स, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले बच्चा 6 to 6, मतलब जब बच्चा 6 साल का होता था तो उसको क्लास फर्स्ट में एडमिशन मिलता था, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास मतलब एज 6 to 16, ठीक है, 10th, और फिर उसके बाद 11th 12th 17th और 18th एज में, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, ECCE होगी पहले, पहले जो 5 ईयर्स हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है पहले 5 ईयर्स में क्या होगा, 3 साल की इसमें ECCE रखी गई है, और प्लस इसी में ही क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ दिया गया है, ठीक है। और इसकी एज लिमिट, एज क्या हो जाएगी, एज हो जाएगी इसकी 3 to 8, ठीक है। और इसको हम आगे ना आगे डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसी एजुकेशन पॉलिसी में जो है टीचर्स की एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, लैंग्वेज पर भी बात की गई है, और इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी मतलब सभी बच्चों को, चाहे उन चाहे किसी भी बच्चे का कोई भी बैकग्राउंड हो, किसी भी तरीके का कोई भी बच्चा हो, सभी को एजुकेशन का राइट है, ठीक है, इसकी बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो आज जो ये जो 5+3+3+4 वाला जो फॉर्मेट है इसकी हम बात करते हैं, इसको ना 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, कितनी स्टेज में, 4 स्टेज में। जो पहला 5 ईयर का प्लान है उसे कहा गया है फाउंडेशनल स्टेज, क्या कहा गया है, इसे कहा गया है फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है, जो पहले 5 ईयर्स है, ठीक है। और उसके बाद के जो 3 ईयर्स है उसको माना गया है प्रिपरेटरी स्टेज, कितना, क्या माना गया है, प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद के जो 3 ईयर्स हैं उसको कहा गया है मिडिल स्टेज,
क्या कहा गया है, मिडल स्टेज। फिर उसके बाद जो है 4 ईयर्स का जो प्लान है उसमें उसे कहा गया है सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, अब मैं उसको डिटेल में बता देता हूँ कि फाउंडेशनल स्टेज में कौन कौन से आते हैं, प्रिपरेटरी में किस कौन कौन सी एज और कौन कौन सी क्लासेस शामिल हैं, और मिडल और सेकेंडरी में कौन कौन सी एज और मतलब कब से कब तक की एज बच्चे की और कौन सी क्लासेस शामिल हैं। ठीक है, तो फाउंडेशनल स्टेज की बात करें तो फाउंडेशनल स्टेज में क्या होता है, फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा आता है 3 to 8 ईयर्स का। कितने ईयर्स का? 3 to 8 ईयर्स का। और इसमें 3 to 8 ईयर्स में ही क्या होता है, 3 to 6 ECCE, मतलब इसी में ही जो है 5 ईयर्स के प्लान में ही क्या है, पहले में ही ECCE शामिल है और प्लस क्लास फर्स्ट एंड सेकंड को शामिल किया गया है, जिसमें 3 to 6 और 6 to 8 इसी में शामिल की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 3 ईयर्स का जो प्लान है जिसे हम प्रेपरेटरी स्टेज कहते हैं। प्रेपरेटरी स्टेज में क्या है, क्या हो गया, क्लास फर्स्ट सेकेंड तो इसमें शामिल होगी, फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इसमें शामिल होगी। क्या हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रिपरेटरी स्टेज में शामिल होगी। और इसकी एज की बात करें तो इसमें एज शामिल आ जाती है 3 to 8, 8 to 11। ठीक है, और उसके बाद मिडिल स्टेज की बात करें तो मिडिल स्टेज में आ जाती है 11 to 14 की एज शामिल है। और इसकी क्या बात करें, अगर हम क्लासेस की बात करें तो क्लासेस में इसमें शामिल की गई हैं कौन कौन सी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो किस में आ गई, प्रिपरेटरी में, लेकिन मिडिल की बात करें तो 6th 7th और 8th जो है वो मिडिल स्टेज में आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें हम सेकेंडरी स्टेज की, तो सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज में एज शामिल है 11 to 14। कौन सी एज शामिल है, 11th to 14th की एज शामिल है। और अगर हम बात करें इसकी क्लासेस की तो इसमें इसको भी जो है 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, क्लास 9th 10th 11th और 12th, इसमें 4 क्लासेस को शामिल किया गया है और इसमें इनको 2 भागों में डिवाइड किया है, 9th और 10th एक सेक्शन में और 11th और 12th एक सेक्शन में। ठीक है, फिर उसके आगे बात कर लेते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर पूछा है, इसमें क्या स्ट्रक्चर है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो आपको ये पता होना चाहिए, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है बहुत अच्छे से, 5+3+3+4 वाला जो फॉर्मेट है वो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या होगा, शामिल किया गया है। ठीक है, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है किस पर ध्यान देती है, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, किस पर, बच्चे के सर्वांगीण विकास पर। ठीक है, चाहे वो बच्चे के फिजिकल आस्पेक्ट से जुड़ा हुआ हो, कॉग्निटिव आस्पेक्ट से जुड़ा हुआ हो, या फिर सोशल या फिर इमोशनल, चाहे वो किसी भी तरीके के आस्पेक्ट से जुड़ा हुआ हो, बच्चे के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बच्चे के एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर देती है। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और अब ये हो गया न्यू एकेडमिक सिस्टम। ठीक है, जिसके बारे में भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं आपसे। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा केवीएस इंटरव्यू में, जो न्यू फॉर्मेट है उसमें उसको जो है किस तरीके की किन कितने स्टेज में डिवाइड किया गया है, तो आप वहां पर बताएंगे कि 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। और उनका नाम अगर पूछ ले तो पहली बताएंगे आप फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें एज और क्लास को बता देंगे आप, 3 to 6 और 6 to 8, जिसमें क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड और फिर प्लस 3 साल की ECCE शामिल है। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज के बारे में बता देंगे, उसके बाद मिडिल स्टेज के बारे में, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो 21st सेंचुरी स्किल्स ऑफ अ चाइल्ड है, बच्चे के अंदर डेवलप करने पर जोर देती है, ये जो NEP 2020 है, जो हमारी NEP 2020 है, ये बच्चे के अंदर जो 21st सेंचुरी स्किल्स ऑफ अ चाइल्ड है, ये जो 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं, जिसमें जो है कुछ मेजर हैं और कुछ सेकेंडरी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं, इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इन सभी बच्चे के ऊपर, मतलब बच्चे के इन सभी स्किल्स को लेकर के बात करती है NEP 2020। जैसे इन स्किल्स की बात करें तो इनमें एक है, क्या है, एक है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, जिनमें मेजर की बात करें, अगर मेजर स्किल्स की बात करें तो मेजर स्किल्स में शामिल है क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये 3 जो मेजर स्किल्स हैं 21st सेंचुरी
कि जो स्किल्स हैं ये तीन मेजर हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इसमें काफ़ी सारी स्किल्स को शामिल किया गया है, जैसे इनोवेशन, कोलेबरेशन, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। और उसके बाद बात करें तो ये जो स्टेजेस मैंने आपको बताई थी, जो न्यू एकेडमिक सिस्टम है उसके स्टेजेस की बात करें तो इसमें यही है कि फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें तो इसमें ना असेसमेंट की बात की है। अगर आपसे असेसमेंट के बारे में पूछा जाए कि जो NEP 2020 है वो किस तरीके के असेसमेंट की बात करती है, बच्चे के किस तरीके के किस प्रकार के आकलन की बात करती है, तो उसमें आप क्या बताएंगे कि जो NEP 2020 है वो 360 डिग्री असेसमेंट की बात करती है, जिसमें जिसका जो है बच्चे खुद से भी आकलन करेंगे अपने आप का, और उसके जो पीयर्स हैं, एक तो इसमें क्या है, तीन चीज़ें शामिल है। एक तो सेल्फ असेसमेंट शामिल है, ठीक है, पीयर असेसमेंट मतलब उसके जो सहपाठी लोग हैं, उसके जो साथी लोग हैं, वो भी उसका असेसमेंट करेंगे बच्चे का, और टीचर भी असेस करेगा, ठीक है। तो असेसमेंट के अगर ऊपर क्वेश्चन बन जाए, अगर आपसे इंटरव्यू पैनल आपसे पूछ ले कि जो KVS में मतलब जो NEP 2020 है वो किस तरीके के असेसमेंट की बात करती है बच्चे को लेकर के, तो आप बताएंगे वहाँ पर 360 डिग्री असेसमेंट की बात करती है, जिसमें तीन प्रकार के असेसमेंट को शामिल किया गया है, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और टीचर्स के द्वारा किया गया असेसमेंट, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हो गई, ये थोड़ी काम की हैं, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स विल बी इवेल्युएटेड ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, ठीक है। फिर उसके बाद एक बॉडी है, एक असेसमेंट बॉडी तैयार की जाएगी, जिसका नाम क्या होगा, परख नाम होगा, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। एक असेसमेंट बॉडी के बारे में पूछा जाएगा, इंटरव्यू पैनल आपसे क्वेश्चन करेगा कि एक जो बॉडी तैयार की जाएगी, असेसमेंट बॉडी है, उसका नाम क्या है और उसकी फुल फॉर्म क्या है। आप वहाँ पर बताएंगे कि उसका नाम परख है, और बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो फुल फॉर्म है इसकी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपसे जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो असेसमेंट बॉडी तैयार हो रही है उसका नाम क्या है, उसका नाम आप बताएंगे परख, और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म है इसकी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, NEP 2020 रिडक्शन इन करिकुलम कंटेंट टू एनहेंस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। NEP 2020 जो है ये एक चीज़ बात करती है क्या, एक जो अननेसेसरी कंटेंट है, जो अननेसेसरी कंटेंट है उसको रिडक्शन उसका रिडक्शन किया जाए, ठीक है, मतलब जो अनावश्यक जो कंटेंट है, जो सामग्री है, जो पढ़ने की जो सामग्री है उसको कम किया जाए, और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको ज़्यादातर बच्चों को सिखाया जाए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख कर के बच्चों को ना वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई है, क्लास 6th ऑनवर्ड, ठीक है ना। तो जिसमें बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें, जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे हालांकि यहाँ पर हमारे कंट्री में ये चीज़ें नॉर्मल हैं, बेसिक हैं, बट अगर हम बात करें जैसे जापान जैसी कंट्री में, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे प्लम्बरिंग हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, काफ़ी सारे लोग हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है NEP 2020 कहती है कि 10 डेज़ का मतलब 10 दिनों का बैगलेस पीरियड आपको दिया जाएगा, जिसमें बच्चों को जो है उन इन सभी जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उनको सिखाया जाएगा, ठीक है। प्लम्बरिंग वगैरह करना, इलेक्ट्रीशियन का काम, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे गार्डनिंग हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में बच्चों को जो 10 डेज़ का जो बैगलेस पीरियड है उसमें बताया जाएगा, और इन चीज़ों को आगे भी रखा जाएगा, ऐसा नहीं कि जो 10 डेज़ हैं उन्हीं में रखा जाएगा, ठीक है। और इस जो एकेडमिक सिस्टम है इसके बारे में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसकी एज और स्टेज दोनों यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, NCERT विल डेवलप अ नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। NCFECCE फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8, ठीक है। इसके बारे में ना हम आगे बताएंगे आपको, क्योंकि ये ना 4 तरीके के NCF तैयार करने वाली है, ठीक है, NCERT, जिसके बारे में है ना हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। और परख के बारे में हम पढ़ चुके हैं,
हाँ, एनईपी 2020 की जो एक बहुत ही खास चीज है इसमें ना, इसमें जो है एक नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। इसमें क्या चीज है मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा जो पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 वाली, उसमें क्या था, स्ट्रीम्स में बटे हुए थे सब्जेक्ट। जैसे साइंस वाला साइंस ही पढ़ेगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स के सब्जेक्ट ही पढ़ेगा, और जो आर्ट वाला था वो केवल आर्ट्स के सब्जेक्ट ही पढ़ सकता था, ठीक है। लेकिन जो अब जो है स्ट्रीम्स का जो सिस्टम है वो अब फॉलो नहीं होगा। अब क्या चीज़ें फॉलो होने वाली हैं, अब एक सेकेंड, हाँ, अब क्या चीज़ें फॉलो होने वाली हैं। अब जो है मान करके चलिए कि आप साइंस पढ़ना चाहते हैं और उसके साथ साथ आपका इंटरेस्ट पॉलिटी में है, या फिर हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में है, तो आप ना उस सब्जेक्ट को अपने अपने अदर अपनी स्ट्रीम मतलब साइंस सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हैं, चाहे वो भले ही कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को, ये बहुत ही बड़ा चेंज है, आप ये बहुत ही बड़ा चेंज है जिसको आप इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिखेगा, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कही गई है क्लास सिक्स से आगे की टाइम पीरियड में बच्चों को लेकर के, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करें तो टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स बाय 2023 एंड एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल अडेप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल। मतलब टीचर को जो 2023 के बाद जो रिफॉर्म्स होने वाले हैं उनके लिए टीचर्स को प्रिपेयर होना पड़ेगा, और हर एक बच्चा मतलब इस तरीके का सिस्टम किया जाएगा कि जो हर एक बच्चा जो है जब स्कूल से बाहर निकलेगा तो एटलीस्ट वो एक स्किल में इस तरीके से परफेक्ट हो जाएगा, मतलब एक स्किल के साथ अडेप्टेशन उसका होगा, ठीक है। एक स्किल में, एक क्या बोल सकते हैं, मतलब एक स्किल को सीख करके निकलेगा, ठीक है। कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, देखिए कॉमन स्टैंडर्ड्स किस तरीके से होगा, पता नहीं क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, बट देखते हैं आगे क्या चलता है इसके इस चीज़ को लेकर के। और फिर उसके बाद बात करें हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन करते हैं जो ECCE है वो कंपलसरी कर दी गई है। एंड उसके बाद बात करें हम नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN का एक मिशन चला गया है जिसको लेकर के, जिसमें FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात कही गई है। फिर उसके बाद जो है आगे तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे GDP इन्वेस्टमेंट 4.3% से 6% कर दिया जाएगा एजुकेशन में। जो GDP पहले जो खर्च हो रहा था, ये तो अगर मैं एक बात कहूँ, ये एक तरीके से पुअर फंडेड ही है, क्योंकि जिसके बारे में आप भी आगे चर्चा करूँगा कि क्या क्या पॉजिटिव फैक्ट्स हैं इसके बारे में और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा अभी आगे की इसी वीडियो में ही। तो GDP का जो इन्वेस्टमेंट है वो 4.3% से 6% कर दिया जाएगा, जो हमारी NEP 2020 कहती है। ये तो काफ़ी समय से ही ये चीज़ें देखने को ही मिल रही हैं हमें, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप को सभी तरीके के ग्रुप्स को शामिल किया जाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके के जेंडर से आता हो, किसी भी तरीके के सोशल कल्चरल बैकग्राउंड से आता हो, ठीक है, किसी भी तरीके से डिसेबल बच्चा हो, तो सभी को शामिल करने की बात हमारी NEP 2020 करती है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज की भी बात करती है, ठीक है। वही थ्री लैंग्वेज फार्मूला को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, एंड टीचर्स के एजुकेशन को लेकर के भी बहुत अच्छे सिस्टम, बहुत बहुत अच्छा रिफॉर्म्स किए गए हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ें और हैं जो NCERT है वो कुछ NCF तैयार करने वाली है, जिनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको डिटेल में डिस्कस करके बताएंगे, ठीक है। फिर उसके आगे देख लेते हैं, तो ये सभी चीज़ें तो हो गई हमारी ख़त्म, जो NEP से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपको जो है पता चल जाएगा, ठीक है ना। मैं ना आपको कुछ, हाँ, एक चीज़ और है, BEd को इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, मतलब 4 साल की, उसको ना किसी कोर्स को BA BSc BCom में जोड़ करके कर दिया गया है 4 ईयर्स का, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये सभी चीज़ें तो आप जो है PDF आपको मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो ये वही बातें लिखी हुई हैं, टीचर्स के कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात कही है, ठीक है ना,
जिसको लेकर के कुछ ट्रेनिंग वगैरह की बात किया। देखिए हाँ, अब आ जाते हैं हम इनके आपसे ना कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इस नहीं एनईपी को लेकर के आपको क्या क्या अच्छी बातें लगी और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को, मतलब क्या क्या आपको नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं। तो ना आपसे ये तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा अगर एनईपी 2020 से कोई भी इंटरव्यू पैनल में रहने वाला व्यक्ति अगर आपसे कोई भी एनईपी से जुड़ा हो कोई भी सवाल पूछता है तो आपसे ये तो 100% पूछा जाएगा कि क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट आपको लगे और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स आपको लगे। तो मैं ना उनको कुछ 2 से 4 मिनट में बता देता हूँ क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला तो ECCE है, ठीक है। इसको ना एक फॉर्मल स्कूलिंग का ही हिस्सा मान लिया गया है अब तो, अब इसको कंपलसरी कर दिया गया कि सभी को ना ECCE कंप्लीट करनी ही होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट की भी बात करती है जो एनईपी 2020 है, ठीक है। फिर नो स्ट्रीम्स जिसमें मैंने बताया है कि आपको हर कोई बच्चा अगर साइंस के साथ साथ अगर कोई भी अदर सब्जेक्ट लेना चाहता है उस सब्जेक्ट को भी ले सकता है, ठीक है। बीएड को इंटीग्रेटेड कर दिया गया है और फिर उसके बाद फाउंडेशनल स्टेज में जो है बच्चा जो पढ़ेगा वो मदर टंग में ही पढ़ेगा, ठीक है ना। मदर टंग मतलब मातृभाषा में ही पढ़ेगा, ये अच्छी बात है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करती है, सभी बच्चों को शामिल करने की बात करती है। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अब क्या पहले क्या था, पहले जो है टीचर्स का एक तरीके से डेवलपमेंट रुक जाता था लेकिन अब क्या होगा जो टीचर्स हैं अब उनको भी ना प्रिपेयर रहना है पड़ेगा जो आगे जो रिफॉर्म्स होने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें तो वोकेशनल ट्रेनिंग जो सबसे अच्छी बात है एनईपी 2020 की, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर दी गई है और इसी के तहत मैंने आपको बताया कि 10 डेज़ का बैकलेस पीरियड भी रखा गया है और यही नहीं है कि यही पीरियड होगा, साथ साथ भी उनको जो है वोकेशनल ट्रेनिंग की मतलब इनको वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाएगी बच्चों को, मतलब एक स्किल में अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा बच्चों को, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स की चॉइस होगी जिसमें आपको बताया कि नो स्ट्रीम्स वाले सेक्शन में ही, ठीक है। 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं बच्चे में जैसे डिसीजन मेकिंग, मेजर स्किल्स की बात करें तो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करती है। 360 डिग्री असेसमेंट की बात करती है एनईपी 2020 और क्लासिकल लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज को भी आपको सीखना पड़ेगा क्लास 6 से बाद में, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करें हम नेगेटिव पॉइंट्स की, तो नेगेटिव पॉइंट्स एक तो हाईली रेगुलेटेड है। हाईली रेगुलेटेड को मैं आप क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में ना मैं आने वाली वीडियोस में बताऊँगा, क्योंकि वहाँ पर ना क्योंकि इसमें ना एनईपी 2020 कहती है कि हर एक अगर टीचर्स के एजुकेशन के लिए अलग एक अलग बॉडी तैयार की जाएगी, स्कूल एजुकेशन के लिए अलग बॉडी तैयार की जाएगी, तो ऐसा ना मतलब इस तरीके से जो काम है वो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, जिसको एक खाके में रख करके तैयार करना वो एक बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद बात करें हम पुअर फंडेड है। देखिए अगर हम बात करें, इन्होंने कहा है कि एनईपी 2020 में कहा गया है कि 6% एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा, तो ये बात कब से चली आ रही है, कोठारी कमीशन के समय से चली आ रही है। तो ये 6% का जो हम टारगेट है एजुकेशन पर खर्च करने का वही हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, कब से 1964 to 1966 में कोठारी कमीशन आया था और तब से लेकर के आज तक हम एजुकेशन के इस GDP का जो 6% है उसको ही खर्च नहीं कर पा रहे, तो आगे किस तरीके से हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है वो किस तरीके से डेवलप हो पाएगी, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि पुअर फंडेड ही है, तो इसको ना एजुकेशन पर इतना खर्च नहीं किया जा रहा है। तो हमारे आप भी अपना विचार रख सकते हैं कि 6% क्या ये सही है, ठीक है ना। तो आप भी इस पर ट्रेंड टीचर्स की कमी है अभी, क्योंकि ECCE की बात करते हैं तो ट्रेंड टीचर है नहीं अभी और उनको भी ट्रेनिंग देने में समय लगेगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं आगे, चीज़ें बदलेंगी भी और चीज़ें सुधरने वाली हैं। कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल, पता नहीं किस तरीके से ये चीज़ें एनईपी 2020 में कही गई है, हो सकता है कि इसको लेकर का काम चल रहा हो अभी। जैसे अभी ना एक चीज़ बोल दी गई है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके स्टैंडर्ड को लेकर के एक लिमिट सेट कर दी जाएगी, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो एक उनके स्टैंडर्ड को देख करके एक लिमिट सेट कर दी जाएगी कि वो उतनी ही फीस बच्चे से वसूल कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना आगे वर्क करने वाली हैं। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं एनईपी 2020 के और वो जो ऊपर मैंने अब बताए हैं वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एनईपी 2020 को लेकर के सभी चीज़ों को कवर करती है ये वीडियो, आप सभी जान भी चुके होंगे। तो
तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है वीडियो को बनाने में और मेहनत भी है, और जो KVS इंटरव्यू के जो जो पार्ट्स जो जो टॉपिक्स मैं लेकर के आ रहा हूँ वो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं और ये बहुत ही आपकी हेल्पफुल हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की हमारी यही थी वीडियो, और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।